हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर महोत्सव के तहत उपखंड मुख्यालय पर गैर नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र। जालौर महोत्सव के तहत उपखंड मुख्यालय पर सोमवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम रन फॉर जसवंतपुरा के तहत सुंदा माता तिराहे से दौड़ का शुभारंभ किया गया, जो राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय तक पहुंचकर समाप्त हुए। रन फॉर जसवंतपुरा को उपखंड अधिकारी शैलेंद्र चारण, प्रधान विमला चौहान एवं थाना अधिकारी मनीष सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो स्थानीय विद्यालय पहुंचकर विसर्जित हुई। इसके बाद राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रस्सा कस्सी प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में मुख्य आकर्षण का केंद्र जसवंतपुरा ग्रामीण एवं प्रशासन के बीच हुई रस्सा कस्सी हुई। प्रशासन का नेतृत्व तहसीलदार रामलाल मीना एवं ग्रामीण टीम का नेतृत्व राण सिंह परमार ने किया, जिसमें जसवंतपुरा ग्रामीण विजय रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुख्य गैर नेतृत्व हुआ, जिसमें गांव के वरिष्ठ नागरिक वजाराम माली, उनाराम माली, सरपंच प्रतिनिधि मोड़ाराम प्रजापत सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। व्यवसायी अर्जुन राव ने अपनी सुमधुर आवाज में गुरु वंदना का भजन प्रस्तुत किया। राजस्थानी साफा प्रतियोगिता में छैल सिंह प्रथम, नारायण लाल द्वितीय एवं एडवोकेट महेंद्र सिंह फिदानी तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा एकल नेतृत्व, म्यूजिकल चेयर आदि कार्यक्रम हुए। जालौर महोत्सव जसवंतपुरा के आयोजक एवं संस्था प्रधान विक्रम सिंह चारण ने उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए जालौर महोत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। सरपंच चंपा देवी प्रजापत की तरफ से अल्पाहार की व्यवस्था की गई। मंच संचालन व्याख्याता दिनेश विशोई एवं सचिन राव ने किया। उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह, तहसीलदार रामलाल मीना, विकास अधिकारी सुनीता परिहार, थाना अधिकारी मनीष सोनी, सहायक विकास अधिकारी पृथ्वी सिंह, राण सिंह परमार, अर्जुन राव सहित ग्रामीण सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।